यूनिवर्सिटी का पूरा फ्रेश 2024 का एडमिशन प्रोसेस बताने वाली हूँ। मैं ना बोले कि किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया या फिर मुझे पता नहीं था, तो आपका एक साल मिस ना हो कि आप डिपार्ट वगैरह हो सकते हो। सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड जो जो दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको भी दून यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक एक पॉइंट को इंक्लूड करने वाली हूँ एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कॉमेंट्स आ रहे थे एंड DMs आ रहे थे कि दी आपके यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना लेते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो मैंने इस डायरी में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जॉट डाउन किए हैं, आप देख सकते हो। और ये मेरी कंटेंट की डायरी है, इसमें मैं कंटेंट्स लिखती हूँ अपने सारे। तो मैंने सारे क्वेश्चन जॉट डाउन किए हैं यहाँ पे, ताकि मैं कुछ भी क्वेश्चंस आपके जो क्वेरीज हैं मिस आउट ना करूँ। पहले मैं पूरी डिटेल आ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस जाऊँगी। ऑफर्ड कोर्सेज क्या क्या रहेंगे, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, हॉस्टल एंड ऑल, जो भी रहेगा सारा मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो मिस आउट बिल्कुल मत करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो, इज दिस यूनिवर्सिटी अ स्टेट यूनिवर्सिटी? तो यस, हाँ ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एंड 2005 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये UGC रिकग्नाइज है एंड NAC अप्रूवल भी है, सो इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि अगर मैं दूसरे स्टेट से हूँ तो मुझे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस यस, आपको मिलेगा, एडमिशन ज़रूर मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। बट एक चीज़ रहेगी कि अगर आप दूसरे स्टेट से हो, अगर आपका वहाँ रिजर्वेशन है ST एंड OBC, तो आपका यहाँ दून यूनिवर्सिटी में आके वो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपको वो एज अ जनरल में काउंट करने वाले हैं, सो बस यही रहने वाला है। अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो ज़रूर होगा, अगर आप एंट्रेंस को पास करते हैं तो आपका ज़रूर एडमिशन होगा। तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में, वो है कि हमारी यूनिवर्सिटी कितने टाइप के कोर्सेज ऑफर करती है। तो मैं यहाँ पे सारा मेंशन कर दूंगी वन बाय वन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। सो फर्स्ट इज SOM, ठीक है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये BCom की डिग्री अगर आप लेते हो तो वो 3 years की होगी, एंड अगर आप विद रिसर्च करते हो तो वो 4 years में आपकी कंप्लीट होगी। तो मैं बता देती हूँ कि ये क्या है, तो जिन लोगों को नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप डिग्री लेते हो तो वो आपको सिर्फ 3 years में मिलने वाली है, और अगर आप विद रिसर्च ऐड करना चाहते हो तो वो आपका जो कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन वो 4 years में होगा। तो ग्रेजुएशन है वो आपको विद रिसर्च मिलेगा। उसके बाद काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है, अगर हम विद रिसर्च करते हैं किसी भी डिग्री को तो जो हम मास्टर्स आगे करेंगे वो 2 साल की ही होने वाली है, फिर 1 साल की होने वाली है। तो मैं बता देती हूँ, अगर आप सिर्फ डिग्री ले रहे हो BSc, BCom या फिर BA की, तो आपको वो सिर्फ 3 years में मिलेगी। अगर आप मास्टर्स करोगे उसके आगे तो 2 साल पूरा करना पड़ेगा आपको। अगर आप BSc, BCom और BA अगर आप 4 साल का करते हो विद रिसर्च वाला, तो आपका जो मास्टर्स है वो सिर्फ 1 साल का होगा, फिर उसमें आपको 2 साल नहीं अपना देना पड़ेगा, आपको सिर्फ 1 साल देना है, आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। ओके, बाय द वे जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है स्कूल ऑफ लैंग्वेज के लिए, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, एंड काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ की जो प्लेसमेंट है लैंग्वेज डिपार्टमेंट की काफ़ी अच्छी आती है। तो सेकंड है हमारा स्कूल ऑफ लैंग्वेज, उसमें विद रिसर्च, इसमें भी सेम पॉलिसी है, अगर विद रिसर्च करते हो तो 4 साल का होगा, एंड सिर्फ डिग्री चाहिए आपको तो वो 3 साल की होगी, ठीक है। एंड आपको जो लैंग्वेज है वो मिलने वाली है इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज, जापनीज, फ्रेंच, एंड सिर्फ इंग्लिश में आपको 40 सीट्स मिलने वाली है, और बाकी सब में आपको 25 सीट्स मिलने वाली है। और ये भी आपको इसका जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आप ले पाओगे। सारा मेंशन कर दूंगी मैं आपको, सिर्फ बता रही हूँ ऐसा ओरली, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप SOPS की बात करते हो, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, तो 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और काफ़ी लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मैं ऐसे कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस के थ्रू। तो यहाँ पे जो सीट्स हैं सब में 40-40 रहने वाली हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। UG, PG एंड PhD वालों के लिए सबके लिए अवेलेबल है, सारा मेंशन करूँगी। मैंने कुछ ही बताया है, मैंने सब डिटेल में नहीं बताया क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टू द एडमिशन प्रोसेस। तो यस, अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको दून यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ध्यान से सुनना। एंड पहले आप पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद अगर आपको जो भी डाउट रहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, एंड मई या फिर जून में दो मंथ होते हैं आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए, दो मंथ हैं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एंड और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये हैं कि हमें अभी तक सिलेबस का अपडेट नहीं मिल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया है। तो प्लीज़ गाइस, अभी नहीं अपडेट हुआ होगा क्योंकि ये सिर्फ मई या फिर जून के बीच में ही अपडेट करते हैं। सिलेबस आउट होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ही आउट होगा। ओके, सिलेबस मैंने बता दिया आपको और एंट्रेंस का मैंने बता दिया कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। थर्ड है आपका रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आपका जुलाई एंडिंग तक आ जाता है एंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ही आता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको बस अपडेट रहना है, टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहा करो, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है उसमें काफ़ी बच्चों के नाम नहीं आ पाते हैं, तो प्लीज़ डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एक ही लिस्ट निकलती है और हमारा नाम नहीं है तो हम क्या करें। तो दो तीन लिस्ट निकलती है, आप थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। और अगर आपका दो तीन लिस्ट में भी नाम नहीं आता है, अगर आपका नाम आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप यूनिवर्सिटी में विजिट करो, और जिस भी आप डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ के जो डिपार्टमेंट में रहते हैं उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो लिस्ट में बच्चों के नाम आए होते हैं वो कई बार एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप उनके बदले आप वहाँ पे अपना रिजर्व करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं दून यूनिवर्सिटी, तो यस। एंड अगर आपने अभी तक दून यूनिवर्सिटी का टूर नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड करा है, तो मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूनिवर्सिटी का जो व्लॉग है वो देख सकते हो। तो मैंने उसमें हर चीज़ मेंशन की है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, हर एक बिल्डिंग को मैंने मेंशन किया है। अगर आप बाहर से आते हो दूसरे स्टेट के हो तो आपको जो रूम है जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफरेंस उनको देते हैं जो बाहर वाले होते हैं। अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पीजी वगैरह रूम में रेंट ले सकते हो, ईजिली मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 4 टाइम का खाना मिलने वाला है, ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स, लास्ट में डिनर। आपको चारों टाइम का प्रॉपर खाना मिलता है, प्रॉपर टाइम होता है। बात करूँ मैं रिस्ट्रिक्शंस की तो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे कॉलेज में पर्सनली जितना मुझे लगा। है कि गर्ल्स को क्योंकि एनसीसी का जो है अपडेट होता है वैसे वेबसाइट में, बट काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं होता है, वो उनको कॉलेज में आके पता चल जाता है तो उनका एक साल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एनसीसी में आपको पहले ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, टेस्ट वगैरह होंगे, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप एनसीसी में पार्ट ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइब्रेरी। ओके, देखो पर्सनली मैं बताऊँ आपको, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, लाइक गवर्नमेंट पेपर निकालना या फिर कुछ भी पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपके लिए दून यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको फुल टाइम मिलने वाला है अपना जो प्रिपरेशन है उसे करने का, पूरा टाइम मिलेगा। मुझे इनफैक्ट यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लगती है, प्लस आपको लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल है, कोई सी भी डिपार्टमेंट में आप हो, कोई सा भी आपको कोर्स है, सारी बुक मिलने वाली है। नाउ लेट्स मूव टू द फीस प्रोसेस और यूजी, पीजी एंड पीएचडी। काफ़ी नॉर्मल फीस है सर, कोई हाई फाई फीस नहीं है, काफ़ी मिनिमल है, अफोर्डेबल है, बहुत ही रीजनेबल है। गाइस, इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट लैंग्वेज डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी है जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि ये कॉलेज लैंग्वेज के लिए ही है। ओके, वैसे और कोर्सेज भी हैं बट स्पेसिफिकली ये लैंग्वेज के लिए ही माना जाता है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्लेसमेंट आती है बट उतना आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, तो आपको वो अलग से ढूंढना पड़ेगा। ओके, एंड आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जितने मुझे लगे वैलिड की करने चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करो, और अदरवाइज़ मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी पार्ट 2 फॉर यू, सारे डाउट्स उसमें क्लेरिफाई करूँगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और या फिर सोच रहे हैं, तो ताकि उनको हेल्पफुल रहे। और ऑल द बेस्ट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, आई होप कि आप सभी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, सिलेबस सारा मेंशन अपडेट होगा वेबसाइट में, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। एंड या अब मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऐसी सपोर्ट करते रहो। सो या टिल देन, बाय बाय।